हेलो दोस्तों, सामने सूरज है बिल्कुल, ये देखिए, और अच्छी खिली खिली धूप निकली हुई है। और आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी गाजर का हलवा। वो मैं दिखा देती हूँ। गाजर मैंने साफ से अच्छे से छील ली है, धो ली है और उसको अच्छे से घिस लिया है और अंगीठी भी जला ली। अब मैं उसको रखूँगी इसके ऊपर। चलो जी, रख देते हैं, दिखा देती हूँ आपको। गाजर मैंने 3 किलो लिए हैं, 3 किलो का मैं बनाऊँगी हलवा। ये गाजर है, अच्छे से गाजर घिस चुकी हैं और देखिए अंगीठी मैंने कितनी मुश्किल से जलाई थी, वो आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगी ज़रूर। और अंगीठी जलाने में बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। ये देखिए कोयला मैंने रख दिया है और इसके नीचे 2-3 लकड़ियाँ रख के हल्का फुल्का सा कुछ भूसा सा रखा था, नारियल का जो होता है वो रखा। उसके बाद मैंने माचिस से इसको जलाया, लेकिन एकदम से जलती नहीं, जैसे चूल्हा जलता है ना ऐसे ये जल नहीं पाएगी। इसको जलाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कोयला सिलगाने के लिए। ये देखिए इसकी हवा करनी पड़ेगी, इसको मनाना पड़ेगा, तब जाके ये कहीं जाके ये जलेगी। ये देखिए मेहनत तो मैंने बहुत की है। ये देखो जब जल जाएगी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। ये हवा करते करते ना इसको थोड़ा सिलगाना है, क्योंकि इसके नीचे से आ जाएगी तब ये ऊपर कोयले में लगेगी। और ये देखिए ये हल्की फुल्की होना शुरू हो गई, देखिए आपको दिखाई दे रही होगी, ये ऐसे जलेगी। जब ये जल जाएगी तो इस पर बहुत जल्दी हलवा बन के तैयार होता है और गैस भी कम लगती है। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से हवा करने से देखो ये आँच निकलना शुरू हो गई है इसमें। और ये जब बिल्कुल आँच जल जाएगी तो बहुत लाल कोयला हो जाएगा ये। ये देखिए हवा इसके करते रहना है। चलो अब इसके ऊपर रख देते हैं हलवा, और हलवा ढक के बनाएंगे, थोड़ा सा ढक्कन रख के। और उसके बाद ये मैंने ना चूल्हे पे दोबारा रखा है, क्योंकि ये एकदम से आँच तेज़ हो गई थी इसलिए मैंने उतार के रख दिया था। अब चलते हैं इसको बनाएंगे। इसको मैंने रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे, ये 3 किलो गाजर हैं और 3 किलो गाजर में हम डालेंगे 1 लीटर दूध। और दूध ये फुल क्रीम है वाला है, और 1 लीटर से बहुत अच्छा ये अच्छे से गाजर गल जाएगी इसके रस में और दूध में, और एकदम मिक्स होके तैयार हो जाएगा गाजर का हलवा। ये देखिए जी, मैंने इसमें डाल दिया ये सारा दूध, और इसका थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा क्योंकि अंगीठी एकदम से बहुत तेज है। और ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखा रखे भैया, हमने जैसे उन्होंने सिखाया वैसे ही हम फॉलो कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है। लेकिन लोग आजकल हलवा पता नहीं कैसे बनाना शुरू कर दिया है, मैं तो खुद हैरान हूँ। कुकर में सीटी लगवा के हलवा बना देते हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर स्वादिष्ट खाना खाना है तो प्लीज़ थोड़ी मेहनत करें और एक अच्छा सा खाना बना के तैयार करें। ये देखिए इसका रंग भी केसरिया हो गया है और ये उबलना शुरू हो गया है। अब इसका जल्दी जल्दी ध्यान रखना पड़ेगा और इसको जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा। इसको पहले उलट पलट के सारे को हम करेंगे दूध में मिक्स। ये देखिए दोस्तों, थोड़ी मेहनत लगती है स्वादिष्ट खाना बनाने में, लेकिन मज़ा आ जाता है। ये देखिए अब ये उबलना तेज़ शुरू हो जाएगा, क्योंकि आँच बहुत तेज़ हो गई है। ये देखिए कितनी तेज़ उबलना शुरू हो गया। और फिर थोड़ा आप अपना ध्यान भी रखें, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, बहुत ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कुकर में कहाँ से खुशबू आएगी। खुशबू तो उसको उड़ जाती है क्योंकि बिना दूध के पकाते हैं, तो इसलिए। और ये ऐसे उबल रहा है तो इसकी खुशबू ना, जहाँ मैंने अंगीठी रखी वहाँ आसपास में हर जगह इसकी खुशबू आ चुकी है। ठीक है जी, इसको अच्छे से मिक्स करते रहिए। ये देखिए मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ, और ठंड तगड़ी है इसलिए कपड़े मोटे हैं, मोटी में इतनी हूँ नहीं जितनी मैं कपड़ों में लग रही हूँ, तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दे कि मैं बहुत मोटी हूँ। ये देखिए अंगीठी हमारी, अंगीठी पे बन रहा है ये खाना, और अच्छे से इसमें लग जाएंगे। मुझे 1.5 घंटा लगेगा इसको बनाने में, और ढककर बीच बीच में इसको मैं चला चला के ही बनाऊँगी। ये देखिए अब इसमें डालेंगे चीनी, चीनी डालेंगे हम। 3 किलो गाजर, 1 किलो दूध है, तो उसके हिसाब से हम 1 किलो इसमें चीनी डाल देंगे और चीनी को मिक्स कर देंगे। और ये तीनों चीज़ें जब बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, ठीक है जी, जब इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहेगा तब इसमें हम डालेंगे खोआ। ये एक अच्छा तरीका है हलवा बनाने का। ये देखिए कितना इसका पानी सूख गया, रस जो बोलते हैं वो सूख चुका है। अब इसको हम अच्छे से और पकाएंगे, जब तक इसका रस ना सूखेगा इतने हम इसको पकाते रहेंगे। ये देखिए और ये पक जाएगा भी थोड़ी देर में, 5 मिनट के बाद। ये देखिए इसका पानी बिल्कुल सूख गया है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा
खोआ डाल देंगे, उसके बाद इसमें काजू बादाम डाल के तैयार कर देंगे। देखो खोआ मैंने डाल चुकी हूँ, इसमें काजू बादाम डाल के ये सर्व कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।